हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। आई एम शेख मुजफ्फर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस टुडेज ब्यूटीफुल सेशन व्हिच इज डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड विथ एग्जांपल। आई विल बी क्विकली मूविंग इनटू दिस सेशन। जस्ट स्टिक विथ मी फॉर द एंटायर सेशन। लेट्स राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म का मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लैपलास ऑफ t into f of t, so it becomes how much? Minus dds of f of s, dds of f of s. क्या लिखा हूँ? If Laplace of f of t equals to f of s, अगर कोई फंक्शन t का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t, लैपलास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे वो s का फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देन वी हैव टू प्रूव लैपलास ऑफ t into f of t, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। तो इसको प्रूफ करेंगे। बाय गिवन कंडीशन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, और द कंडीशन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या गिवेन है? एफ ऑफ एस गिवेन है। व्हाट इज लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी? व्हाट द स्टैंडर्ड फार्मूला? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू टू पर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ई टू टू पर द माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू हाउ मच? एफ ऑफ एस। Do the numbering. Suppose this part 1. We have to prove that Laplace of t into f of t equals to this part minus of dds of f of s. So can I write f of s equals to, can I write? So this part becomes, so f of s equals to integration 0 to infinity e to the power the minus st f of t dt, e to the power the minus st एफ ऑफ टी डी टी। इसको ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए? डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस चाहिए, डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर मैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस ले लेंगे बोथ साइड टेकिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस बोथ साइड्स। सो कैन आई राइट टेकिंग डिफरेंशिएशन taking differentiation with respect to s both sides। अगर s का respect में मैंने differentiation ले लेंगे तब क्या आएगा? So can I write DDS of f of s equals to how much? तो यहाँ पे भी लिखेंगे तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस, डी डी एस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू टू पर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ई टू टू पर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। देखो यहाँ पे ये एस का लिमिट नहीं है, ये लेकिन टी का लिमिट है, तो डायरेक्टली इसको मैं डिफरेंशिएशन ले लेंगे डायरेक्टली। कैन आई राइट? तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी DDS of, so can I write DDS of e to the power the minus ST into f of t dt. So इसको क्या लिखेंगे मैं? Integration of 0 to infinity, इसका differentiation क्या आएगा with respect to s? Exponential function का exponential function पहले लिखेंगे, then DDS of minus ST माइनस एस टी, सो इट बिकम्स हाउ मच? सो इंटीग्रेशन डी डी एस ऑफ एस, सो इट बिकम्स वन, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ टी इंटू हाउ मच? एफ ऑफ टी इंटू डी टी।
Can I write this line? So finally, can I write? So it becomes. So can I write? So here t f of t. Here it is this part. So can I write minus of integration 0 to infinity e to the power the minus st into t into f of t, t into f of t dt. ये किसका फार्मूला है? ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ, देखो यहाँ पे वेरीफाई करो. अगर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी का फार्मूला लिखेंगे तब क्या करेंगे, एफ टी यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी लिखा हूँ. अगर यहाँ टी इंटू एफ ऑफ टी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टी इंटू एफ ऑफ टी. ये वाला फिक्स रहेगा. इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पर द माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी. अगर मैं यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी लिखेंगे तो टी इंटू एफ ऑफ टी आएगा. लेकिन यहाँ पे अगर एफ टी है तो यहाँ पे एफ टी लेंगे. खाली एफ टी का जगह चेंज होगा. तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, टी इंटू एफ ऑफ टी है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी इंटू एफ ऑफ टी कर देंगे. यहाँ पे भी टी इंटू एफ ऑफ टी आ जाएगा. तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, टी इंटू एफ ऑफ टी. कैन आई राइट दिस लाइन? देखो फाइनली कैन आई राइट व्हिच इम्प्लाइज व्हाट द थ्योरम. इसको इस साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड को. लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाउ मच. इसको डू द नंबरिंग. सपोज दिस पार्ट बिकम्स वन, फ्रॉम वन. इसको कहाँ से लिखा हूँ, फ्रॉम वन. डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म से लिखा हूँ इसको डायरेक्ट. तले क्या आएगा, माइनस ऑफ, तले माइनस को इस साइड लेके आ जाएंगे. तले डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस. यही वाला थियोरम था प्रूफ्ड. व्हाट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, टी इंटू एफ ऑफ टी. सो इट बिकम्स माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस. ये वाला मुझे प्रूफ करना था. लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी आइदर तुम ले सकते हो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करो, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. तो मुझे जो कंडीशन गिवन था तो उसे कंडीशन में लिख दिया. लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस था. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी वी टू पर द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. इसको क्या एफ ऑफ एस था, एफ ऑफ एस लिख दिया. तो अभी मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए था ये वाला टर्म माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस. देखो यह एफ ऑफ एस लिखा हूँ, एफ ऑफ एस को इस साइड लिख दिया. अभी मुझे डिफरेंशिएशन ले लिया हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एस का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लिया. तो विथ एस का रेस्पेक्ट में का डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरा. ये वाला टर्म मैं लिख दिया हूँ, ये वाला टर्म मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, यहाँ माइनस आया है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी बी टी टू पर द माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर दिया. अगर एफ टी रहेगा तो तब यहाँ पे एफ टी होगा. अगर टी इंटू एफ ऑफ टी रहेगा तो यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी होगा. तो इसलिए टी ऑफ एफ ऑफ टी लिखा है. तले लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, तले लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस. तले यही मेरा प्रूफ पार्ट था. सो द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही वाला प्रॉब्लम था. अगर मैं इसको इन जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, सो कैन आई राइट द जनरल फार्मूला. सो इन जनरल फार्मूला बा जनरलाइज्ड थ्योरम, इफ आई राइट द जनरलाइज्ड फार्मूला, सो कैन आई राइट द जनरलाइज्ड थ्योरम. इसका जनरलाइज्ड थ्योरम क्या लिखेंगे, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी equals to f of s, if Laplace of f of t equals to f of s, then can I write, then Laplace of t to the power the n, यहाँ पे t का पावर कितना लिखा था, t का पावर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 था, t to the power the 1 f of t, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, t to the power the n, t to the power the n, f of t, d, t to the power the n into f of t, t to the power the n into f of t, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वन होल टू पर द एन डी टू टू पर द एन बाई डी एस टू टू पर द एन इंटू कितना हो जाएगा एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस. देखो इसको वेरीफाई कर लो, ये जो लिखा हूँ ये देखो, अगर एन का वैल्यू यहाँ वन लिया हूँ, एन का वैल्यू वन टी टू टू पर द वन टी टू टू पर द वन, तो इसको ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, चेक करो. एन का वैल्यू वन लो, लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, लैपलास ऑफ एन का वैल्यू वन t into f of t equals to minus 1 whole to the power the 1. अगर odd number लेंगे तो negative आएगा, अगर even number लेंगे तो तब क्या positive आएगा. तब क्या, अगर n का value 1 लेंगे तो minus आ जाएगा. तो इसको first order derivative करना है, dd, d by ds आएगा, ये 1 होगा ये भी 1 होगा, तो first order derivative होगा into f of s. वो फार्मूला प्रूफ है, ये फार्मूला आ जाएगा. अगर 2 लेंगे, n का value 2 लेंगे, देखो
लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, टू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, माइनस वन होल टू बार टू, सो इट बिकम्स क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। तो यह क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो ये फंक्शन अब एस, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखना है इसको, ये इन जनरल फॉर्मूला है बट जनरलाइज थियोरम है, तो इससे सब फॉर्मूला तुमको डिराइव हो जाएगा। अभी मैं इसको रिस्पेक्ट में एक दो प्रॉब्लम करेंगे, और इसको लिख सकता हूँ नोट, नोट करके इसको भी लिख सकता हूँ, जो थ्योरम था इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तब इसको अगर लिखें इफ लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी देन कैन आई राइट लैपलास इनवर्स ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस कैन आई राइट दिस लाइन डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। तो इसको यूज करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम कर सकता हूँ इसको यूज करके। अभी एक प्रॉब्लम लेता हूँ, राइट डन द प्रॉब्लम, फाइंड लैपलास ऑफ टी इंटू ई टू टू पार द थ्री टी। यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग थ्योरम में भी अप्लाई करने से सेम आंसर आएगा। तो इसको मैं ये डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करूँगा। तो कैन आई राइट दिस पार्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सो कैन आई राइट, देखो यहाँ टी का पावर वन है, कैन आई राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम, सो यू हैव टू फाइंड लैपलास ऑफ टी इंटू ई टू पार द थ्री टी। सो लिख सकता हूँ, ताले इसको मैं इस तरह इसमें कन्वर्ट कर देंगे, वी नो दैट करके ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, तब आसान हो जाएगा। वी नो दैट क्या था फॉर्मूला, लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो इफ यू कंपेयर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सो व्हाट इज एफ ऑफ टी, सो एफ ऑफ टी इट बिकम्स, सो कैन आई राइट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाउ मच सो ई टू टू पार द थ्री टी कैन आई राइट इस लाइन, देखो यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी है, टी इंटू ई टू टू पार द थ्री टी, टी टी के सेम है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ टी मेरा आ जाएगा ई टू टू पार द थ्री टी। सो व्हाट इज, सो हियर आई हैव रिक्वायर्ड एफ ऑफ एस, दैट मीन्स लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, चलिए यहाँ पे अगर लैपलास ले लेंगे, सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी सो कैन आई राइट इट बिकम्स लैपलास ऑफ ई टू टू पार द थ्री टी, कैन आई राइट दिस लाइन, सो कैन आई लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इट बिकम्स हाउ मच, सो इट बिकम्स एफ ऑफ एस सो कैन आई राइट 1/s-3, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लैपलास ऑफ ई टू टू पार द ए टी इट बिकम्स 1/s-a, तो ये लिख दिया हूँ। चले अभी क्या मुझे चाहिए, डी डी एस ऑफ दिस टर्म, तो इसको फाइंड कर लेता हूँ, टेकिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस सो कैन आई राइट डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस सो कैन आई राइट डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस हियर 1/s-3 कैन आई राइट दिस लाइन, सो दिस पार्ट सो इक्वल्स टू हाउ मच, सो कैन आई राइट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, और अगर इसको मैं इस तरह से फॉर्मूला में लिख सकता हूँ dx(x^n), तो इसका फॉर्मूला क्या है, n(x^n-1), यहाँ पे क्या होगा x का पावर -1 होगा, तो इसको अगर
यूज करेंगे, इस मेथड से यूज करेंगे, पहले मुझे क्या मिलेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। पहले यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ वन बाई एस माइनस ऑफ थ्री होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये मुझे मिल जाएगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे एस माइनस थ्री है, फिर पहले वन बाई एक्स का मैं डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लिया हूँ यहाँ पे डी डी एस ऑफ वन बाई एस माइनस थ्री, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये वाला अगेन डी डी एस ऑफ एस माइनस थ्री, पहले ये तो कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, डी डी एस ऑफ एस एस बिकम्स वन हो जाएगा। तो फाइनली वी विल राइट दिस पार्ट। पहले यहाँ पे देखो माइनस है, लैपलास ऑफ तीन तो एफ ऑफ टी क्या है माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, सो डू द नंबरिंग, सपोज दिस पार्ट बिकम्स वन सो कैन आई राइट, सो मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, सो हेयर इन दिस केस सो कैन आई राइट माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, नहीं तो ये माइनस को इस साइड लिख दूँ राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा वन बाई एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म आ गया। ताले फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम वन वी कैन राइट लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा लैपलास ऑफ टी इंटू ई टू टू पावर द थ्री टी, ये वाला क्वेश्चन था, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला क्या था मेरा माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, व्हाट इज एफ ऑफ एस माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड वन बाय एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर निकल गया। तो इसको मैं क्या करेंगे लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी और लैपलास ऑफ टी इंटू ई टू बार थ्री टी कितना आ जाएगा वन बाई एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, एस का फंक्शन में मुझे मिल जाएगा डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, एस का फंक्शन है मुझे मिल गया। अगर यही प्रॉब्लम को अगर फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर दें तब सेम आंसर आएगा, अगर मैं इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं नोट, अगर मैं इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ ये जो है मेरा फंक्शन है टी इंटू टू बार थ्री टी, सो डायरेक्टली अगर फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर देंगे तो ये वाला आंसर मेरा डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। इसको मैं अगर इस तरह से लिख देता हूँ लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं कैसे आंसर लिखेंगे इसका वन बाई एस माइनस थ्री के लिए क्या होगा ई टू टू पावर द थ्री टी, वन बाई एस माइनस थ्री के लिए ई टू टू पावर द थ्री टी, और एस माइनस थ्री को एस से रिप्लेस कर दो ताले वन बाई एस स्क्वायर आ जाएगा, वन बाई एस स्क्वायर किसका है लैपलास ऑफ टी का फॉर्मूला है, देखो ये वाला आंसर सेम आ गया है टी इंटू ई टू टू पावर द थ्री टी, देखो टी इंटू ई टू टू पावर द थ्री टी सेम आंसर आएगा। इफ आई कंसीडर अनदर एग्जांपल राइट ऑन द क्वेश्चन फाइंड लैपलास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एल एन ऑफ एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस फोर, इसको मुझे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन को मुझे फाइंड करना है लेट। तो इसको क्या करेंगे वी नो दैट इसको क्या करेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस वी नो दैट लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी देन we know that if Laplace inverse of f of s equals to f of t then can I write dds of f of s equals to how much minus t into f of t, ये वाला formula use कर देंगे। सो कैन आई राइट दिस पार्ट इक्वल्स टू सो कैन आई राइट दिस लाइन सो हियर लैपलास इनवर्स ऑफ डी डी एस ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ एस इज गिवन एल एन ऑफ एस प्लस थ्री बाई एस प्लस फोर एल एन ऑफ एस प्लस ऑफ थ्री होल डिवाइडेड बाई एस प्लस ऑफ फोर
Can I write this line? So can I write this part? Can I write this part? Equals to how much? Minus of t into f of t. Minus of t into f of t. The Laplace inverse of, so can I write Laplace inverse of dds of log of a by b. So it becomes log a minus log b. So can I write ln of s plus 3 minus of ln of s plus of 4. Can I write this line equals to minus t into f of t. So can I write this line? It becomes, so Laplace inverse of, what is differentiation? ddx of log x. So it becomes 1 by x. So can I write 1 by s plus 3 minus ddx of log x. So it becomes 1 by x. So isko likhenge 1 by s plus 4. 1 by s plus of 4 equals to how much? Minus t into f of t. So can I write Laplace inverse of this term? Laplace inverse of this term. So can I write? So it becomes e to the power the minus 3t. Standard formula. Again, Laplace inverse of this term. Laplace inverse of this term. So it becomes minus of 1 by Laplace of e to the power the minus of 4t. Minus of 4t equals to how much? Minus of t into f of t. What is f of t? यहाँ पे देखो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने बोला है, तो ये क्या टी का फंक्शन में आएगा, फंक्शन ऑफ टी में आएगा. तो कैन आई राइट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, कैन आई राइट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, हेयर इट इज माइनस, माइनस इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ई टू टू पार द माइनस 4t माइनस ऑफ ई टू टू पार द माइनस 3t होल डिवाइडेड बाई टी. दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म. So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks that I have shared you in this video. So don't forget to share among your friends, and don't forget to hit like, share and subscribe button, and write whatever you need in the comment section, because if you do that, I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.